हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फूड डेलिकेसी। आज हम बनाने वाले हैं फिर से एक बंगाली डिश, और इसे हम कहते हैं मूंग दाल विथ फिश हेड। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय वीडियो। तो देखिए क्या क्या लगेगा हमें। तो इसके लिए हमें ज़रूरत है बारीक कटी हुई प्याज, टमाटर, तेज पत्ता, बे लीफ, जीरा और ये गोटा गरम मसाला। इसमें लौंग है, इलायची है और दालचीनी है। तो अब हम कढ़ाई गरम करके इसमें तेल डालेंगे और हमारे खड़े मसाले इसमें अब डालेंगे। तो पहले हमने डाल दिया जीरा, इसके बाद इसमें डालेंगे गरम मसाला, तेज पत्ता और इसे हल्का फ्राई करेंगे। पहले ये ऑलरेडी काफ़ी बर्न हो चुका है, तो अब हम इसमें प्याज डाल दिए। प्याज अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। इसमें हमें मूंग दाल की ज़रूरत है, जिसे मैंने पहले ही नमक हल्दी डालकर बॉईल करके रखा है और पहले उसे हल्की रोस्ट किया हमने मूंग दाल को। अब इसमें हम टमाटर डाल दिए और इसको हल्का गलने तक फ्राई करेंगे। फिर इसमें डालें अदरक, लहसुन और मिर्च की पेस्ट। ये अपने हिसाब से डाल सकते हैं आप, जैसा मिर्च चाहिए, हल्दी और इसके बाद इसमें नमक। नमक सिर्फ मसाले के लिए जितना चाहिए। ये हमने धनिया डाला, अब इसमें जीरा डालेंगे, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर। नमक सिर्फ मसाले में जितनी चाहिए वो। ये हमने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया थोड़ा सा, क्योंकि दाल में हमने पहले से ही नमक डाला था। ये फिश हेड है जिसे हल्दी नमक लगा के मैंने फ्राई करके रखा था। तो अब हम इस फिश हेड को अच्छे से ब्रेक कर लेंगे ताकि ये मसाले के साथ अच्छे से मिल जाए। ये देखिए मिक्स कर लेंगे, इसे ब्रेक करना होगा। अब आप देख सकते हैं फिश हेड अच्छी तरह से मिल चुका है मसाले के साथ। इस टाइम पे हम इसमें वो दाल डाल देंगे जिसे हमने पहले से ही बॉईल किया। इसे पहले हल्का रोस्ट किया हमने, रोस्ट करके इसमें एक तेज पत्ता डालकर और नमक हल्दी डाल के बॉईल कर लिए। ये दाल डाल दिया हमने इसमें। थोड़ा पानी डालेंगे क्योंकि बहुत गाढ़ी थी हमारी दाल, और इसे बॉईल आने तक हम वेट करेंगे। देखिए अच्छी बॉईल आ गई है इसमें। आप चाहो तो थोड़ी देर कवर करके भी पका सकते हो, और नहीं तो ये ऐसे ही बॉईल होकर अपने में अच्छे से मिक्स हो जाएगी। उतारते वक्त हमने थोड़ा सा गरम मसाला डाला और ये अच्छे से मिक्स करके इसको आप अपनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से रखिए। मुझे थोड़ी पतली चाहिए थी इसलिए मैंने ऐसे रखा है। आप चाहो तो इसे गाढ़ा भी कर सकते हो, और फिर इसे सर्व कीजिए और चावल या रोटी के साथ खाइए, बहुत मज़ा आएगा। जिनको फिश हेड पसंद है उनको ये डिश मज़ा आएगा खाने में। सो फ्रेंड्स, इसे बनाइए और खाइए और इन्जॉय कीजिए, और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिए आपको ये कैसा लगा। ये मैंने सर्व करने के लिए रेडी रख दिया।